नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। आयरलैंड में एक महिला सांसद ने संसद में सबके सामने एक अंडरवियर लहराकर दिखाया। ऐसा उसने उस मानसिकता का विरोध जताने के लिए किया जिसमें पीड़िताओं को ही हमेशा दोषी मान लिया जाता है। दरअसल वहां 17 वर्षीय लड़की के बलात्कार के मामले में एक शख्स पर आरोप लगा था। ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष की वकील ने ज्यूरी से पीड़िता के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की। यही नहीं, वकील ने पीड़िता का अंडरवेयर सबूत के तौर पर दिखाते हुए कहा था, आपको देखना होगा कि उसने उस वक्त कैसे कपड़े पहने थे, उसने तब लेस वाला थोंग पहन रखा था। बता दें कि इस मामले में 27 वर्षीय आरोपी को बरी कर दिया गया था। महिला सांसद रूथ कॉम्पिगर ने मंगलवार को इसी को लेकर अनोखा विरोध का तरीका अपनाया। उन्होंने नीले रंग का लेस वाला अंडरवेयर डेल में लहराते हुए नाराजगी जाहिर की। पर यह सोचने वाली बात है कि जब किसी बलात्कार पीड़िता या फिर अन्य महिला का अंडरवेयर कोर्ट में दिखाया जाएगा तो उसे कैसा लगा होगा। इससे पहले कोर्ट स्थित कोर्ट में 6 नवंबर को आरोपी की वकील एलिजाबेथ ने थोंग पेश कर ये भी कहा था कि क्या ये सबूत काफी नहीं है कि पीड़िता आरोपी को लेकर आकर्षित थी, वो किसी से मिलने या फिर किसी के साथ के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वकील ने इसी के साथ ये मामला सहमति से सेक्स का बताया था। यही कारण है कि ना केवल देश की बल्कि विदेशों की कई महिलाओं ने भी पीड़िता ही दोषी को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मुहिम छेड़ दी। पहले आयरलैंड की महिलाओं ने ट्विटर पर लेस वाले अंडरवेयर को फोटोज पोस्ट किए और उसके बाद देखते ही देखते कुछ और देशों की महिलाओं ने भी उनकी मुहिम का समर्थन करते हुए ट्विटर पर लेस वाले थोंग के फोटोज साझा किए और आरोपी को दोषी ठहराने की मांग उठाई। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।